नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग सामने एक ऐसा जड़ी बूटी का पेड़ पौधा लेकर आया हूं, जिसके फायदे जानकर आप हैरान रह जाओगे। इस जड़ी बूटी के इतने सारे फायदे हैं कि आप कभी सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। जहां लाखों की दवाई फेल हो जाता है, वहां यह जड़ी बूटी काम आता है। लेकिन आप अनजान हो, इस जड़ी बूटी के फायदे के बारे में जानते नहीं हो, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, उपयोग नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए इस जड़ी बूटी को। यह जड़ी बूटी नहीं, इस दुनिया के एक अमृत है। इसके सेवन से बहुत सारे बीमारी हमारे शरीर से जड़ से नष्ट हो जाते हैं, और इसे लगाने से भी हमारे शरीर के बहुत सारे बीमारी नष्ट हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात तो यह है कि इसके सेवन से और इसके लगाने से कौन कौन से बीमारी जड़ से नष्ट होते हैं। इस बात को जानने के लिए आपको इस पहाड़ी आयुर्वेदिक के पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो समझ लीजिए आपको लाखों का फायदा होगा। जब भी आप बीमार पड़ेंगे, कभी आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा ऐसा बात मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, फायदा जानने से पहले सबसे पहले आप इस पौधे को पहचान लीजिए, जिस पौधे के फायदे के बारे में बता रहा हूँ। पौधे को रेण का पेड़ कहते हैं, और बहुत सारे लोग इसे अरंडी का पेड़ कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कैस्ट्रोल ऑयल का पेड़, यानी कैस्ट्रोल ट्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में होने वाले ऐसे बहुत सारे बीमारी हैं जिसे यह अकेला एक पेड़ ठीक करता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सी बीमारी में इस पेड़ के कौन से हिस्से को इस्तेमाल करने से वह बीमारी ठीक होता है। तो आओ दोस्तों, मैं सबसे पहले इसके पत्तों के फायदे के बारे में बताता हूँ कि आखिर हमें किस बीमारी में इसके पत्तों को इस्तेमाल करके उस बीमारी को हम जड़ से नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी स्त्री को, औरत को लिकोरिया का प्रॉब्लम हो, लिकोरिया मतलब जैसे सफ़ेद पानी की शिकायत हो, पेशाब करते समय उसके योनि मार्ग से चिपचिपा पदार्थ गिरता हो, तो ऐसे औरतों के लिए रामबाण औषधि है रेण का पेड़, जिसे कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं। ऐसे तो अलग अलग भाषाओं में इस पेड़ को बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन आप इसे जिस नाम से जानते हो जान लीजिए, मैं तो आपको डायरेक्ट पेड़ ही दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, जिस स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम हो, सफ़ेद पानी की शिकायत हो, योनि मार्ग से चिपचिपा पदार्थ जाता हो, तो इस रेण के पेड़ के पत्तों को तोड़कर पत्थर के सिल में पीस कर करीबन 20 से 25 एमएल तक रस निकाल कर मिश्री मिलाकर दिन में दो बार सुबह शाम सेवन करें, सुबह खाली पेट और शाम को खाने के बाद, तो आपका लिकोरिया रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है यह रेण का पेड़ और इसके पत्ते। दोस्तों, इस पेड़ की जड़ भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर किसी के हाथ पैर में जोड़ जोड़ में दर्द होता हो, तो इसके जड़ को उखाड़ कर पीस कर पका कर काढ़ा बनाकर सुबह सुबह खाली पेट करीबन 20 एमएल सेवन करें, मिश्री मिलाकर, और 3-4 काली मिर्च डाल ले और 1-2 चुटकी हल्दी का पाउडर, काढ़ा बनाए, सबको डालकर काढ़ा बनाए। काढ़ा बनाने के बाद आप सुबह सुबह खाली पेट पिए, मात्र एक महीना, तो जोड़ जोड़ का दर्द ठीक हो जाएगा। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों इस रेण के पेड़ का जड़, जिसे अंग्रेजी में कैस्ट्रोल ट्री के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में इसे कहते हैं अरंडी का पेड़। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। जैसे मान लीजिए आपके घुटनों में दर्द होता है, तो आप इस अरंडी के बीज से निकलने वाला बीज, आप देख लीजिए बीज कैसा होता, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीज है जो गोल गोल देख रहे हो, वह बीज है। उस बीज के अंदर से निकलने वाला तेल, उस बीज के अंदर से निकलने वाला तेल हाथ पैर घुटनों के दर्द को दूर करता है। बस आपको क्या करना है, सुबह शाम
इस बीज का तेल से मसाज करना है घुटनों में जहाँ भी दर्द होता है वहाँ पर, और अगर दर्द अधिक हो तो आप सिकाई कीजिए गरम गरम कपड़ों को गर्मा कर। दोस्तों इस बीज के अंदर से निकलने वाला तेल कब्ज रोग को दूर करता है। अगर किसी को कब्ज रोग है, लैट्रिन नहीं होता है, साफ बहुत परेशान है, तो आप इस बीज से निकलने वाला तेल जिसे एरंडी का तेल या फिर कैस्ट्रोल ऑयल के नाम से जाना जाता है, अगर आपको यह तेल नहीं मिलता है इधर उधर तो आप मेडिकल से खरीद सकते हैं कैस्ट्रोल ऑयल के नाम से या फिर अरंडल के नाम से। उस तेल को लाने के बाद 25 ml तेल आप एक ही बार पी जाइए तो पता है क्या होगा, तेल को पीने के बाद आपका पेट साफ होगा, पेट के अंदर जितने भी गंदगी मलामत है सब निकल जाएंगे, संडास पैखाना टट्टी के साथ में, और आपके शरीर में होने वाला दर्द भी दूर हो जाएगा। और अगर आप बवासीर के पेशेंट हैं, बवासीर रोग से परेशान हैं, तो भी आप इस बीज के अंदर से निकलने वाला तेल को पीजिए, आपका बवासीर रोग ठीक हो जाएगा। मेरा कहना यह है दोस्तों, अगर आप बवासीर से परेशान हो, लिकोरिया से परेशान हो, कब्ज से परेशान हो, धातु रोग से परेशान हो, यानी शरीर में जितने होने वाले बीमारी सभी बीमारी से परेशान हो, तो सबसे पहले आप कैस्ट्रोल ऑयल का सेवन कीजिए। 25 ml एक ही बार में दूध के साथ डालकर पी लीजिए, आपका पेट साफ होगा तो हर बीमारी दूर हो जाएगा आपके शरीर से। इतना मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यह मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। दोस्तों बहुत से ऐसे युवक हैं, पुरुष हैं, जो बिस्तर में जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो उन पुरुषों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होगा, इसके बीज से निकलने वाला तेल जिसे कैस्ट्रोल ऑयल के नाम से जानते हैं। इस तेल को लेकर आप अपने लिंग सीसन पर मसाज कीजिए और काम क्रिया कीजिए, तो आपके काम क्रिया का समय बढ़ जाएगा, इतना फायदेमंद होता है यह कैस्ट्रोल ऑयल का तेल, यानी रेड़ का तेल या फिर कहें तो एरंडी का तेल। दोस्तों अगर किसी का बाल झड़ता है, उड़ता है, गिरता है, तो वह भी इस तेल को अपने बालों में मसाज करे प्रतिदिन, तो उसके बालों का झड़ना उड़ना रुक जाएगा। दोस्तों अगर चेहरे में झुरखियाँ हो, बुढ़ापापन नज़र आता हो, या फिर जवान हो कि चेहरे में बहुत सारे झुरखियाँ हैं, आपका चेहरा चमक नहीं रहा है, तो आप इस तेल का मसाज कीजिए अपने चेहरे पे, तो आपके चेहरा चमकने लगेगा, इतना फायदेमंद है दोस्तों इस रेड़ का तेल। दोस्तों अगर आपको फोड़े फुंसी है, घाव है, जख्म है, वह जख्म ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस रेड़ के तेल में कपूर बराबर मात्रा में और हल्दी, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम आपने रेड़ का तेल लिया, तो 100 ग्राम कपूर, 100 ग्राम हल्दी, सबको पीस कर पेस्ट बनाइए, उस जख्म पे घाव पे आप लगाइए, वह जख्म घाव सूख जाएगा, इतना फायदेमंद होता है या रेड़ का तेल। और भी इसके फायदे हैं, और भी इसके फायदे हैं। मान लीजिए कोई स्त्री है, उसके स्तन कमज़ोर है, लूज है, स्ट्रोंगपन नहीं है, तो वह स्त्री इसके तेलों में बरगद के जटाओं का पाउडर बनाकर मिलाकर अगर अपने स्तनों पे मसाज करती है, लेप करती है, तो उसके स्तन सुडोल होंगे, कड़क होंगे, टाइट होंगे, जिसके वजह से वह कहीं भी जाकर शर्मिंदा होती है तो वह शर्मिंदा कभी नहीं होंगी। दोस्तों अगर आपके पेशाब में जलन होता है, तो आप इस रंडल के पत्तों को तोड़कर करीबन 20 से लेकर 30 ml तक इसका रस निकाल लीजिए और 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर मिला लीजिए और 1 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, सबको मिलाकर 2 ml छाछ में डालकर आप सेवन कीजिए, पीजिए, तो पेशाब खुलकर होगा, पेशाब के अंदर जलन हो वह दूर होगा, यहाँ तक कि दोस्तों शरीर में होने वाला जलन भी ठीक होगा।
इसके उपयोग से इतना फायदेमंद है यह पत्ता, जिसे एरंडल के पत्ता के नाम से जाना जाता है।